हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो आप बेटा, अपन स्टेट ऑफ मैटर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर हमारा खत्म हो जाए, कोशिश करेंगे आज हो जाए तो ठीक है, नहीं अपन क्या करेंगे बच्चों, मंडे को तो हो ही जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए आज अपने को कुछ ठीक है ना बच्चों, बोलो। हमें सिर्फ कुछ क्वेश्चंस करने तो अपन सीखते हैं। देखो बच्चों, ये एक क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है। बताओ बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ, है ना? ये बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, ये हमें एक्सप्लेन करना है बच्चों। ठीक है ना, एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो समझना जरूरी है। ठीक है ना, ये हुआ कैसे, क्यों हुआ, वो मैं आपको सुनो। सबसे पहले बच्चों बताओ, आपने बॉयल्स लॉ बहुत पहले पढ़ा था इस चैप्टर में। बोलो बच्चों, टीवी को होता है बच्चों, याद है क्या पीवी कांस्टेंट? तो पीवी कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो कौन सा ग्राफ दिख रहा है आपको, कौन सा दिख रहा है बताओ? पीवी कांस्टेंट के अकॉर्डिंग तो ग्राफ डी ठीक है ना बच्चों, ग्राफ डी ठीक है, डी सही है ना। हमें कौन सा बताना है जो सही नहीं है वो बताना। आप बताओ, पी वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखो, इसके अकॉर्डिंग तो फोर्थ ऑप्शन, इसके अकॉर्डिंग आपका ए वाला ऑप्शन है ना, ए वाला ऑप्शन। अब देखो बच्चों सुनो, ये आपका पीवी है बच्चों, पीवी कांस्टेंट, इसका लॉग ले ले बच्चों, लॉग पी, लॉग वी, और ये हो गया बच्चों लॉग ऑफ कांस्टेंट, ऐसा ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या होगा, लॉग पी क्या आ गया, लॉग कांस्टेंट, बोलो बच्चों, माइनस लॉग वी, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो एक बात बताओ, आपको थोड़ा सा अगर समझ में आ रहा हो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, लॉग कांस्टेंट और इस माइनस को मैं यहां ऊपर ले जाता हूं, ऐसा लिख सकता हूं क्या बच्चों, लॉग वी की पावर -1 लिख सकता हूं क्या? अरे लॉग का रूल होता है बच्चों, जो पावर होती है वो ऊपर से आगे आती है, तो आगे से वहां ऊपर भी तो जा सकती है, जा सकती है बच्चों। अब बताओ, हमारे जो इक्वेशन आई फाइनली है ना, हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन आई वो ये आई बच्चों, लॉग कांस्टेंट प्लस लॉग ये आया। तो बच्चों देखो, ये हो गया वाई, ये सी, और ये हो गया एम एक्स, तो ये ग्राफ बनेगा एम एक्स प्लस सी, पॉजिटिव स्लोप के अकॉर्डिंग बनेगा बच्चों। तो बी में तो ये ग्राफ दिख रहा है आपको, बी में ये ग्राफ दिख रहा है पॉजिटिव स्लोप के अकॉर्डिंग, बी ऑप्शन में बना हुआ दिख रहा है, बी ऑप्शन में से बनाया हुआ दिख रहा है, तो किस ऑप्शन में गलत है बच्चों, सी ऑप्शन में। इसकी देखो स्लोप ये नेगेटिव दिखा रहा है, सी ऑप्शन में गलत हो गया ना। अरे बच्चों समझ में आ गया है क्या? बोलो भाई, किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है तो बोल जाओ। किसी को डाउट है, पढ़ चुके हो ऑलरेडी बॉयल्स लॉ तो कभी पढ़ चुके हो, इस चैप्टर को जब स्टार्ट किया था ना तो आई थिंक पहले दूसरे लेक्चर में पढ़ लिया था हम लोगों ने इसको, है ना? हो गया बच्चों क्लियर है ये? अरे समझ में आ गया, आगे चलूं। अगला देखो बच्चों, अमंग द फॉलोइंग कर्व विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा ग्राफ की नहीं है, ये हमें बताना है बच्चों। ठीक है ना, के अकॉर्डिंग कौन सा ग्राफ सही नहीं है, तो कैसे बताएंगे? पहले याद है क्या बच्चों, चार्ल्स लॉ,
टास्क फ्लो क्या होता है बच्चों? प्रोपोर्शनल टू टी होता है बच्चों, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो आप कह सकते हो बच्चों कौन सा ग्राफ दिख रहा है, ए वाला ग्राफ इसके अकॉर्डिंग आएगा, ये तो सही है ना बच्चों। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वी मान लो यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट है इंटू टी, तो देखो बच्चों लोग वी है ना, लोग कॉन्स्टेंट एंड लोग टी, तो लोग वी और लोग टी इसके अकॉर्डिंग कौन सा ग्राफ ठीक बैठ रहा है, बोलो बच्चों एक मिनट, इसके अकॉर्डिंग कौन सा ग्राफ ठीक बैठ रहा है, सेकंड वाला ग्राफ बोलो बच्चों, बी वाला ग्राफ इसके अकॉर्डिंग ठीक बैठ रहा है। अब देखो बेटा ये कह रहा है डी टी और टी स्क्वायर, ये क्या है, ये लफड़ा भी सिंपल ही है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। देखो हमारे पास इक्वेशन ही है बच्चों कॉन्स्टेंट इंटू टी, इधर भी टी से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी टी से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं क्या बोलो बच्चों, कर सकते हैं क्या? अरे दोनों तरफ कर सकते हैं बच्चों, करने पे देखो क्या हुआ, बी टी हो गया बराबर कॉन्स्टेंट इंटू टी स्क्वायर, यानी मैं कह सकता हूं बी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ग्राफ बन रहा है बोलो बच्चों, सी वाला बन रहा है, ये भी सही है, ये तीन तो सही है ना, तो चौथा गलत है क्या? चौथा गलत होगा। अब वो गलत कैसे होगा वो भी सीख लेते हैं अपन। देखो बच्चों अपन कह सकते हैं बी बाई टी ये क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, हो गया बच्चों। अब जब वी बाई टी कॉन्स्टेंट हो गया तो याद करो बी बाई टी का जो ग्राफ बी के साथ आएगा क्या वो ग्राफ ऐसा नहीं आता क्या बोलो बच्चों, ऐसा आना चाहिए था ना, आना चाहिए था, लेकिन इसने देखो क्या दिया है, ओरिजिन से दिया है, गलत हो गया ना, समझ में आ गया? याद करो आपने बहुत पहले पढ़ चुके हो आप है ना, ये ग्राफ आप पढ़ चुके हो, देखो कहाँ पढ़ा था, अपन बात कर रहे हैं कि चार्ल्स लो की, ये देखो बच्चों कॉइल्स लो, कॉइल के बाद एवोगैड्रोस, ये पढ़ा चार्ल्स लो, दिख रहा बच्चों, ये देखो ये ग्राफ, ये पढ़ा पढ़ा था क्या, वी बाई टी और वी के बीच में ऐसा आना चाहिए ग्राफ, और उसने क्या कर रखा है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से दे रखा है, गलत कर रखा है ना, अरे गलत कर रखा है क्या बच्चों, हो गया आ गया समझ में, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। चलो अब ये बताओ बच्चों, ये वाला बताओ बच्चों, विच इज करेक्ट कर्व चार्ल्स लो व्हेन द कर्व इज प्लॉटेड एट 0.821 एटीएम फॉर 10 मोल आइडियल गैस, ये कह रहा है बच्चों आपको, ठीक है ना, तो करेक्ट कर्व बताना आपको, बताओ बच्चों बोलो बेटा कैसे बताओगे, देव किशोर व्यास सिर्फ रटा मत करा कर, सिर्फ रटता रहता है, आता जाता कुछ है नहीं तेरे को, हाँ भैया देखो कैसे करेंगे इसको समझो, आपको इसने क्या क्या दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, मोल दे रखा है, तो देखो बच्चों सुनो, क्या मैं PV इक्वल्स टू NRT लगा सकता हूं, PV इक्वल्स टू NRT लगा सकता, बताओ बच्चों लगा सकता हूं, लगा सकते हैं, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो प्रेशर कितना दिया हुआ 0.821 दिया हुआ बच्चों, अच्छा वॉल्यूम नहीं है, मोल 10 है 0.821 है बच्चों, और टेम्परेचर आपको दे नहीं रखा, तो मुझे बताओ बच्चों
ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर होगी, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो बोलो बच्चों एक तरह से वी और टी बराबर आ गए। अपन ऐसा मान लेते हैं कि यहां जो कॉन्स्टेंट है उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू वन है बच्चों, बोलो। तो अब आप एक बार बताओ क्या ऑप्शन सी सही हो सकता है, वी बाई टी की वैल्यू वन आई ना, कॉन्स्टेंट तो वन है ना क्योंकि v बराबर t है ना, v बराबर t है। तो बोलो थीटा कितना आना चाहिए, थीटा कितना आना चाहिए, थीटा 45 आना चाहिए ना, 45। तो कई बच्चे है ना देखते ही सी ऑप्शन को टिक कर देते हैं, इतनी भी जल्दबाजी क्या है, है? अभी कोरोना बहुत लंबा चलेगा, आराम से घर पे बैठे बैठे ढंग से पढ़ाई करो। अब देखो बेटा, तो अब सी तो सही नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया है ना। अब ये जो कह रहा है वी बाई टी और वी, पहला ए वाला ग्राफ ऐसा आता क्या, बोलो बच्चों ए वाला ग्राफ ऐसा आता क्या, नहीं आता ना। ए वाला ग्राफ कैसा आता बताओ फिर, ए वाला ग्राफ कैसा आता, पैरेलल टू कौन सी एक्सिस, वी एक्सिस। इसका ग्राफ बच्चों ऐसा आता, मैं छोटा सा बना रहा हूं यहाँ पर, ऐसा आता ना बच्चों, याद करो ऐसा आता बच्चों, पढ़ा है ना हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो बेटा हमारे पास ये है बी बराबर, अपन ने बोला टी, ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट की वैल्यू वन, एक बार मैंने कांस्टेंट लिख दिया। अब देखो बेटा मैंने इधर भी क्या किया, मैंने एक काम करता हूं देखो, इधर भी वी और इधर भी वी से मल्टीप्लाई कर तो सकते हूं, मैथमेटिकली मैंने गलत बात नहीं की आप लोगों से, बोलो बच्चों मैथमेटिकली मैं सही चल रहा हूं। तो देखो बच्चों क्या हो गया, वी स्क्वायर बाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, बोल सकते हैं क्या बच्चों। तो मेरे हिसाब से फिर बी वाला ठीक लग रहा है, बोलो। सी वाला देखो बच्चों ये 30 है, आपको पता होगा स्लोप होती है टेन थीटा, तो स्लोप वन आई ना तो टेन 45 की वैल्यू वन होती है, तो सी ऑप्शन इसलिए सही नहीं है, समझ में आ गया। अच्छा डी ऑप्शन में किसी को डाउट है क्या, डी बनाए थे हम लोगों ने ग्राफ वी और टी के बीच में, बोलो आप कैसे बनाओगे, बोलो ये इस तरह से आ रहा है ना, लोग वी लोग कॉन्स्टेंट प्लस लोग टी, तो बोलो ये तो हो गया वाई, ये सी एम एक्स, इसका ग्राफ तो कुछ ऐसा आता बच्चों, आता कि नहीं आता, आता ना बच्चों, बोलो भैया आपको किसी भी ऑप्शन में अभी भी कोई डाउट है बोल जाइए, किसी भी ऑप्शन में अभी भी कोई डाउट है बोल जाओ, क्योंकि ये चीजें वही पढ़ रहे हो जो आपने शुरू में पढ़ी थी। आज तो बेटा मुझे कुछ नहीं पढ़ाना, आपको ही बताना है सारा कुछ, क्योंकि आपने सारा कुछ पढ़ लिया, ये चैप्टर अब एंडिंग पे आ गया बेचारा। आगे चलो, बोलो भाई आगे चले, आपकी आज्ञा हो तो पक्का, ठीक है चलिए आ जाओ बच्चों। ये बताओ विच इज नॉट करेक्ट ग्राफ फॉर गैलुसेक लो, ये भाई साहब गैलुसेक आ गए हम, है ना, तो गैलुसेक लो याद है क्या, गैलुसेक लो याद है क्या, क्या था किस किस के बीच में था, याद करो बच्चों गैलुसेक भाई साहब, नाम जरूर गैलू है इसका, है ना, नाम गैलू है, लेकिन ये गैलू है नहीं वैसे, ये बड़ा काम का है। ये p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t था, ये p बाई टी कॉन्स्टेंट था, है ना। तो बोलो बच्चों p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t था, तो इसके अकॉर्डिंग तो मुझे b वाला ग्राफ तो ठीक लग रहा है, b वाला ठीक लग रहा है। अच्छा बच्चों p बाई टी कॉन्स्टेंट है तो फिर c भी सही है। अब जब p बाई टी टी के रेस्पेक्ट में पैरेलल चल रहा है तो बेटा फिर d वाला कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो गया ना।
ए वाला तो समझ में आ गया होगा, ए वाला तो बच्चों मेरे हिसाब से अब लोग तो समझ में आ गया होगा। वापिस तो लोग ले लेंगे क्या? के इसको सोल कर सकते हो क्या? पक्का? ठीक है बच्चों, चलो ये बताओ, विच इज इनकरेक्ट कर्व फॉर बॉयल्स लॉ। आपको बताना है कि इनकरेक्ट बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग बताना है बच्चों आपको। बताओ भाई, बताओ देखो बच्चों कैसे करेंगे समझो आप, बहुत सिंपल सी बात है। हमारे पास ये था क्या बच्चों, क्या ये बॉयल्स लॉ है? क्या ये बॉयल्स लॉ है बच्चों? है क्या? पहले बताओ ये बॉयल्स लॉ है क्या? है। ओके, अब इसने यहां कर रखा है पी बाई वी, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, बोलो, दोनों तरफ मैंने पी से मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकता हूं बच्चों, दोनों तरफ मैंने पी से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, बोलो डिनोमिनेटर में, कोई दिक्कत? अरे गलत तो नहीं किया? ये समझ में आएगा बच्चों? अब देखो क्या हो जाएगा, पी बाई वी ये हो गया बच्चों। अब आपको ये ग्राफ बनाना है बच्चों, पी बाई वी है ना, और आपको वन बाई वी के बीच में। तो याद करो बच्चों, आप फिजिक्स में एक फंडा सीखते हो कि जिसकी पावर कम होती है ना, ग्राफ को आप उस साइड मोड़ देते हो, मोड़ देते हो ना, तो ग्राफ ए तो ठीक ही लग रहा फिर। अरे ऐसा बोला जाता है फिजिक्स में, बोलो। तो ए वाला ग्राफ तो सही लग रहा है ना, ए वाला तो सही लग रहा है, लग रहा है पक्का। अब बताओ आप एक बार, दो ये जो है पी अपॉन वी और वन अपॉन वी स्क्वायर, ये तो सीधा आना चाहिए था ना, एकदम स्ट्रेट लाइन। और ऑप्शन सी में देखो, इसने तो इसको भी मोड़ दिया, गलत हो गया ना? अरे गलत हो गया क्या नबाबों, बोलो ये गलत हुआ? अच्छा डी को थोड़ा देख लेते हैं कि भी डी सही कैसे हो गया। देखो बच्चों पी वी कॉन्स्टेंट है, तो मैं क्या करूं है ना, पी वी कॉन्स्टेंट है, तो अब मुझे बताओ मैं क्या करूंगा। मैंने इसको भी इधर v से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी मैंने v से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बोलो बच्चों पी वी स्क्वायर क्या आ गया? v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। आ गया बच्चों, बोलो। अरे बच्चों ये a समझ में आया? आप लोगों ने पढ़ा है क्या? देखो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर मान लो है, ठीक है, और आपको ग्राफ बनाना है y और x के बीच में, तो आप बताओ क्या करोगे? जैसे x की वैल्यू 1 रखोगे, y 1 बनेगा, ऐसे सोचो। देखो ये इस तरह से है ना, तो मुझे बताओ x 1 रखोगे, y चलो 1 आ गया। अब मुझे बताओ जैसे ही x 2 रखोगे, y कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना, तो बेटा किस में ज्यादा ग्रोथ आ रही है? ग्रोथ ज्यादा किस में आ रही है, वाई मारी है? गोयल समझ में आ गया तेरे को? अरे गोयल समझ में आ गया क्या? इसको आप ऐसे याद रखते हो कि जिसकी पावर कम होती है उस साइड मोड़ दिया करो, है ना, जिसकी पावर कम होती है उस साइड मोड़ दिया करो। कोई डाउट है क्या बच्चों? अरे किसी ऑप्शन में डाउट है तो बोल जाओ अभी भी। टी में डाउट है? ओहो, टी में काय का डाउट है? डी में तो अच्छा वाला दिख रहा है ना, ये आ रही है ना इक्वेशन, ये पढ़ी है ना, देखो पी वी स्क्वायर वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना। हमने क्या किया,
इस इक्वेशन में दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई कर लिया, ये जो इक्वेशन आई भी है ना, इधर भी और इधर भी, और फिर ये तो बना, बना कि नहीं बना? अरे जिस बच्चे को डी ऑप्शन में डाउट था, क्या उसको समझ में आ गया? आ गया भाई, पक्का। देखो बच्चों, ये ग्राफ सारे आपने पहले पढ़े थे ना, ये वही है, बस इनको थोड़ा बहुत कभी किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी से डिवाइड करके, थोड़ा सा आपका दिमाग को चेक कर रहा है कि क्या आपका दिमाग डेवलप हुआ। बोलो बच्चों, बोलो। चलो अब बेटा बात आगे करते हैं, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। एन आइडियल गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, सेलेक्ट द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर पी गैस अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। डी मर्करी आपको गिवन है, तो बच्चों करके बताओ मेरे को, तो आप इस क्वेश्चन को करके बताओ। ये सब कुछ बता रखा बच्चों मैंने, एक्वस टेंशन बता रखा है आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डेंसिटी, सब कुछ बता रखा है। बोलो बच्चों। देखो बेटा सुनो ढंग से, सबसे पहले अपन इसको कैसे समझेंगे, कोशिश कीजिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर आप में है तो अभी समझ में आ जाएगा आपको। एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताइए कि यहां जो ये h हाइट दे रखी है, ये h हाइट इसकी दे रखी है, इसके कॉलम की दे रखी है, पहले ये बताओ, डायग्राम को देख के बताओ, ये हाइट आपको किसके कॉलम की दे रखी है? वाटर की दे रखी है। अच्छा ठीक है, ओके। और हम प्रेशर को किसके रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं बच्चों? बोलो, हम प्रेशर को किसकी हाइट के रेस्पेक्ट में? मरकरी की। ये तो समझ में आता है, इतना तो समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, है ना? अब मुझे बताओ, हमने जब शुरू में पढ़ा था कि चाहे प्रेशर आप मर्करी के टर्म्स में करो और चाहे आप वाटर की टर्म्स में, प्रेशर तो वही रहेगा ना? हाँ ठीक है, जिसकी डेंसिटी कम है वो थोड़ा ज्यादा चला जाए, ऐसा होता है ना बच्चों? और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो थोड़ा ज्यादा चला जाता है। बच्चों क्या लिखोगे? एच डी जी ड्यू टू मर्करी, और एच डी जी ड्यू टू एच टू ओ है बच्चों। बोलो, अब देखो हमें मरकरी के रेस्पेक्ट में हाइट ढूंढनी है, जी तो वैसे ही कैंसिल हो गया बच्चों। अच्छा बताओ, वाटर की आपको हाइट एच दे रखी है, वाटर की डेंसिटी वन होती है और मरकरी की डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है, तो बोलो मरकरी की हाइट के टर्म्स में क्या प्रेशर आ गया? मरकरी की हाइट की टर्म्स में क्या प्रेशर आ गया? क्या बोलो नबाबो? ये बात किसको समझ में नहीं आई? ये बात किसको समझ में नहीं आई? बोलो। अरे बोलो, नहीं समय तो बोलो, नहीं तो फिर आगे चलूं मैं। ये हो विश्वजीत जी की। विश्वजीत, ये न्यूमेरिकल कभी किया था क्या किसी टाइम? हमने
यहाँ पे देख ये क्या लिखा है, ये दिख रहा है, नो चेंज इन एटमोस्फेरिक प्रेशर दिख रहा है। हमने अगर वाटर काम में ले लिया, ये पढ़ा था क्या तूने, पहले लेक्चर की बात है विश्वजीत। ये तो वही तो बात मैं वहां बोल रहा हूं मेरे भाई, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो वही लगेगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि वाटर पे ज्यादा लगाऊं मरकरी पे कम लगाऊं, तेरे पे ज्यादा मेरे पे कम, या मेरे पे कम तेरे पे ज्यादा, प्रेशर तो वही रहेगा। ये देखिए वही सेम फंडा लिखा हुआ है, प्रेशर चाहे एचजी की रेस्पेक्ट में लें चाहे वाटर की रेस्पेक्ट में लें, ठीक है। अभी उसने कॉलम की हाइट एच दे रखी है, तो मैंने एच लिखी, वाटर की डेंसिटी 1 और मरकरी की डेंसिटी 13.6 दे रखी है, तो पता कर लिया। अब तेरे को इसमें क्या नहीं समझ आया ये बता। ये बताया भी था कि अगर आपने वाटर लोगे तो हाइट बहुत ज्यादा आ जाएगी, देखो लगभग लगभग 10 मीटर आ गई, तो 10 मीटर हाइट को मेजर करना मुश्किल हो जाएगा, याद है ना, ऐसा पढ़ा था विश्वजीत, क्या समझ में आया। अब देखो बेटा सुनो, ये हमने लिख दिया। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, देखो यहाँ ये एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है क्या, लग रहा है बच्चों, लग रहा है। और ये लिक्विड एकदम आपकी स्टेबल स्टेट में नहीं भाग रहा, तो मुझे बताओ कि जितना प्रेशर यहां लग रहा है, आप मुझे बताओ वो का वो प्रेशर यहां लगेगा ना। याद करो एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड की सेम हाइट पर प्रेशर इक्वल होता है क्या बच्चों, बोलो। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं है ना, बोलो बच्चों, बोल चुका हूं। अब देखो बेटा सुनो, इनकम्प्रेसिबल जो लिक्विड होता है उसकी एक हाइट पर प्रेशर सिमिलर रहता है, तो मुझे बताओ यहां ये प्रेशर क्या लग रहा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। इसका मतलब ये अगर पी एटीएम है तो ये भी बच्चों पी एटीएम होगा, तो बच्चों ये भी पी एटीएम होगा। क्या ये बात समझ आई, जो मैंने डायग्राम में ये पी एटीएम लिखा, क्या ये समझ में आया विश्वजीत जी, समझ में आया आपको विश्वजीत जी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहां इस पी एटीएम को कौन बैलेंस कर रहा है, ध्यान देना इस पी एटीएम को। देखो बच्चों अच्छे से समझो इसको, यहां इस पी एटीएम को कौन बैलेंस कर रहा है, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। देखो ये आपका एच हाइट का वॉटर कॉलम है बच्चों, यहां हमें इस पी एटीएम से बात करनी है। इसके ऊपर आपको वो कह रहा है कि गैस भरी हुई है। अब मुझे बताओ बच्चों, वाटर आपका रूम टेम्परेचर पर क्या करता है, वेपर बनाता है कि नहीं बनाता, बोलो बच्चों। वाटर रूम टेम्परेचर पर वेपर बनाता है कि नहीं बनाता है, तो बच्चों यहाँ गैस के साथ साथ कुछ वेपर भी होगी, गैस के साथ साथ कुछ वेपर भी होगी, बोलो बच्चों। तो जैसे मान लो ये गैस के मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये गैस के मॉलिक्यूल है, ठीक है, और मैं ऐसा कर देता हूं कि मान लो हमारे पास, मान लीजिए ये वेपर के मॉलिक्यूल है बच्चों, ये वेपर के मॉलिक्यूल है। तो अब मुझे बताओ इस पी एटीएम को बैलेंस करने वाले टोटल 3 कंपोनेंट क्या आप देख पा रहे हैं। देखो बच्चों इस पी एटीएम को कौन कौन, एक तो गैस का प्रेशर, एक बोलो बच्चों आपका वेपर प्रेशर, और एक आपका वॉटर कॉलम ऑफ एच हाइट, बोलो बच्चों वॉटर कॉलम ऑफ एच हाइट। ये बात समझाई, ये जो एटमोस्फेरिक प्रेशर को जो बैलेंस करके बैठे हुए हैं उसमें किन किन का रोल है, वेपर का है, उस गैस का है, और इस एच हाइट के वाटर कॉलम का है। क्या इतनी बात सबको समझ में आई क्या है,
अरे इतनी बात सबको समझ में आई क्या नवाबो? अब देखो ये PATM है ना, पी ऑफ गैस, वेपर प्रेशर को मैंने किसी दिन बोला था इसको एक्वस टेंशन भी बोलते हैं, वेपर प्रेशर को एक्वस टेंशन भी बोलते हैं बच्चों। और आपको याद होगा कि प्रेशर की यूनिट हाइट की फॉर्म में भी होती है, पता है ना, प्रेशर की यूनिट हाइट की फॉर्म में भी होती है। तो बच्चों वो कितना आया, एच अपॉन 13.6 आया। अब बच्चों मुझे पी गैस निकालना है बच्चों। तो बताओ जब मुझे पी गैस निकालना है तो पी एटीएम माइनस एक्वस टेंशन माइनस एच अपॉन 13.6 है ना। अगर मैं यहां माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ऐसे लगा सकता हूं क्या, तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन चला जाएगा, जाएगा क्या ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है क्या, बोलो भाई। अरे नवाबों किसी को डाउट है क्या? देवाशीष तेरे को समझ में आया? देवाशीष पक्का? देवकिशोर व्यास विश्वजीत जी सुन लो, चलो आगे चलो। चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन पढ़ो और बताओ, ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाई थी। सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन भी है ये। कैसे बच्चों कर दूं या आप बता रहे हैं? आंसर तो लिखा पड़ा आपके पास में ही, अब आया कैसे वो पता है क्या आपको? आया कैसे वो पता है क्या? प्रज्ञा फलोदिया आप बताओ, फलोदिया जी सुन रहे हैं आप? वेरी गुड विशाल। देखो बच्चों सुनो क्या करेंगे, मान लो ये हमारे पास इस तरह से कोई लेक है, ठीक है, यहाँ एक बबल था और वो बबल सरफेस पे पहुंच गया है ना। जब यहाँ था तो इसका वॉल्यूम V था, जब वो यहाँ पहुंच गया तो वॉल्यूम 4V हो गया। देखो इसको अपन बोल देते हैं बच्चों, ये वाला वो हो गया बॉटम और ये वाला हो गया सरफेस, है ना। मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो P बॉटम P सरफेस V सरफेस, क्या ऐसा बोल सकता हूं? याद आया क्या, कौन सा रूल लगाया मैंने, ये P1V1 = P2V2 कौन सा रूल लगाया बच्चों? बॉयल्स लॉ। अरे बाकी किसी की शादी में आए हो क्या, बोला नहीं जाता है? बैठे हाँ बच्चों देखो हमें बॉटम में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों मान लो बॉटम में V है वॉल्यूम, तो बताओ सरफेस पे जाते जाते 4V हो गया बच्चों, यानी बॉटम पे जो प्रेशर लग रहा है ना वो 4 टाइम ऑफ सरफेस प्रेशर है,
इतनी बात तो मेरे हिसाब से सबको दिमाग में बैठ गई। बैठ गई क्या? इसमें तो कुछ था ही नहीं, सब आसान सी बात। अब बताओ कि जो ये बॉटम में जो प्रेशर लग रहा है ना बच्चों, जो ये बॉटम में प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर में किस किस का रोल है? देखो बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल है, एज वेल एज वॉटर या जो ये कॉलम है उसका भी रोल है ना। बोलो बच्चों, बॉटम में जो प्रेशर लग रहा है वो, बोलो बच्चों क्या क्या है, बोलो। देखो किस किस का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस आपका वॉटर कॉलम, बोलो इनके कारण प्रेशर होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा बच्चों, बोलो। अब देखो इसमें एक लाइन पढ़ना ढंग से कि अज्यूमिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए कॉलम ऑफ वॉटर 10 meter हाइट। इस लाइन को क्या आप कुछ समझ पा रहे? Assuming the atmospheric pressure is equivalent to the pressure exerted by a column of water 10 meter height, है ना? क्या इस बात को कुछ दिमाग में बैठ रहा है आपके? यानी जो atmospheric pressure है ना, यानी आपने जो surface वाला pressure, ये हो गया surface वाला pressure होगा ना atmospheric pressure, इसको मैं PS लिख देता हूँ, ये water column, ये हो गया। हो गया बच्चों, अब बताओ आपने इसको तो बोल रखा है 4 PS और ये हो गया PS, ये वाटर कॉलम की हाइट आ जाएगी बच्चों, ये कितना बच गया 3 PS। तो बोलो बच्चों, जो वाटर कॉलम की हाइट आएगी वही तो इसकी डेप्थ होगी ना, अरे डेप्थ तो वही होगी ना। तो बोलो बच्चों, इसने जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज PS वो किसके इक्विवेलेंट माना है, कितनी हाइट के इक्विवेलेंट माना है? बोलो 10, है ना? तो बस ये हो गया बच्चों, वॉटर कॉलम की हाइट आ गई और ये उसकी डेप्थ हो गई। समझ आया? बोलो बच्चों, इस बार इसने थोड़ा सा अलग किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इसने किसी अलग टर्म्स में दिया। क्या समझ पाए क्या आप इस चीज को? अरे बच्चों समझ पाए क्या? विश्वजीत जी सुन रहे हैं आप? समझ में आया? देखो बच्चों, यहां जो ये सरफेस है ना, सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है ना वो किसके बराबर है? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इसमें देखो क्या बोला है, अज्यूमिंग The atmospheric pressure is equivalent to the pressure exerted by a column of water 10 meter height. याद आ गया? 10 meter height. यानी इस बार आपको हाइट कितनी लेनी है? 10 meter लेनी है बस। अरे बोलो, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। अभी थोड़ी देर पहले मैं ऊपर लेकर गया था आपको एक जगह, और मैंने बोला था कि अगर मैंने ना यहाँ पर है ना वॉटर को यूज दे दिया ना तो पंगा हो जाएगा। देखो वॉटर के केस में लगभग कितनी हाइट आ रही है चेक करो। ये देखो, ये वॉटर के केस में लगभग कितनी हाइट आ रही है? 10 मीटर आ रही है ना, आ रही कि नहीं आ रही? तो इसने बात तो वही की लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया, है ना बच्चों? इसने लगभग 10 मीटर बोल दिया, है ना? है वही, अगर मरकरी होता तो ये 76 सेंटीमीटर होता, और वॉटर है तो इसने इतना बोल दिया। क्लियर बच्चों? चलो आगे आ जाओ। चलो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो और फटाफट करो, जल्दी से करो इसको, है ना? बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट कर दीजिए आप।
हाँ जी, कैसे करेंगे? बच्चों एक बात बताओ, देखो तो कैसे करेंगे, सुनिए। पहले ये कंडीशन दे रहा है, ये तेरा बच्चों, पहले कंडीशन इसकी ये है बच्चों, ठीक है, और बाद में इसकी कंडीशन ये हो गई। ये तो बोल रहा है आपको, बोलो बच्चों, ये बोल रहा है ना हॉरिजॉन्टल, और फिर आपने उसको क्या किया, आपने उसको कैसे रखा, हेल्ड वर्टिकली विद ओपन एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो बच्चों ये ओपन एंड है ना, ये देखो ये वाला, ये कौन सा एंड है, ओपन एंड है, अपवर्ड साइड है। अब बताओ बच्चों, अभी जब ये हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में क्या ये मर्करी कॉलम कुछ प्रेशर लगेगी क्या एयर के ऊपर, बोलो। यहाँ जो ये ट्रैप हो रखी है कैसे लगाएगी, लगा ही नहीं सकती ना। अरे नहीं लगा सकती ना, देखो तो अब बताओ, इनिशियल स्टेट में प्रेशर क्या बोलेंगे, बोलो। आपको बोला 1 atm, देखो बेटा ये बोला वहां पड़ा, तो 1 atm का मतलब मैं बोल सकता हूँ 76 cm ऑफ मर्करी। क्या ऐसा बोलने में कोई शर्म आई आपको? बोलो बच्चों, नहीं आई ना, अरे नहीं आई ना, ठीक है। अच्छा पहले L1 कितनी दी हुई थी, 10 cm दी थी। अब बताओ बच्चों, अब प्रेशर कितना हो जाएगा, सोच के सोचो साथ क्या जाएगा, बताओ अब प्रेशर कितना हो जाएगा। वेरी गुड अक्षिता, नौलखा छा गई बेटा। अब देखो बेटा, ये जो 4 cm का मर्करी कॉलम है वो भी तो प्रेशर लगाएगा अपनी ग्रेविटी के कारण। तो बच्चों ये कितना हो गया, 76 + 4 80 cm, और हमें L2 फाइंड आउट करना है। पहले ये बात किसको नहीं समझ में आई यहां तक, देवाशीष को समझ में आई तेरे को, देवाशीष पक्का, पड़ोसी की कसम। अरे चुन्नू मुन्नू समझ में आ गई क्या? पन्ना समझ में आई, पन्ना विश्वजीत, जी जी समझ में आ गया क्या? हाँ जी गुरुदेव, धन्यवाद। देखो बच्चों, अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो विश्वजीत जी वॉल्यूम को अपन ऐसा लिख सकते हैं बेटा, एरिया इनटू लेंथ, है ना, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। अब एरिया तो वही रहेगा ना, लेंथ जरूर चेंज हो जाएगी एयर कॉलम की, ये हटा दू, कट गया। प्रेशर कितना, 76, L1 कितनी 10, है ना, और ये कितना हो गया 80, और ये L2 निकालना है, 760/(this), तो L2 आएगा 9.5 cm। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों कौन सा रूल लगा के किया ये क्वेश्चन, हमने कौन सा रूल लगा के किया, बोलो भाई। बॉयल्स लो बेटा, बॉयल्स लो बड़ा काम का है ये, इसको ढंग से सीख लेना, नहीं तो ये बॉयल कर देगा बिना पानी के आपको, है ना, ये बिना पानी के बॉयल कर देगा नहीं तो आपको। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो और
अपनी फीलिंग्स बताओ भाई मेरे को, आपको क्या लग रहा है इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद? हाँ भैया, कुछ समझ में आ रहेगा? लिख रहे हो या कर रहे हो इस क्वेश्चन को, बताओ भाई। जग्गा साहब गलत है, साइना गुप्ता सही है। वेरी गुड बेटा, साइना गुप्ता, वेल डन, साइन कर गए आप तो। चलो कोई बात नहीं, समझते हैं बच्चों। देखो इसको ऐसा बना लेते हैं, ठीक है? इस तरह से बना लिया बेटा मैंने, ठीक है? अब देखो बेटा, सुनो, ये पूरी हाइट 1.52 मीटर दे रहा है, क्या मैं इसको 152 सेंटीमीटर बोल सकता हूं? ठीक है, क्या कहता है? ए वर्टिकल होलो सिलेंडर ऑफ हाइट 1.52 मीटर इज फिटेड विद ए मूवेबल पिस्टन ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड थिकनेस, द लोअर हाफ, ये मतलब इसका हाफ, तो हाफ कितना हो गया बच्चों? ये 76 सेंटीमीटर हो गया, हो गया बच्चों। इसके अंदर क्या कह रहा है कि कंटेन्स एन आइडियल गैस, यहाँ पे बच्चों एक आइडियल गैस है बच्चों, ठीक है? द लोअर हाफ ऑफ सिलेंडर कंटेन्स एन आइडियल गैस एंड अपर हाफ इज फिटेड विद मर्करी, यानी इसके अंदर मर्करी है बच्चों, यहाँ मर्करी है। इतना डायग्राम आपको समझ में आएगा, ये जो डायग्राम इसने जो क्वेश्चन में बोला वो मैंने समझने की कोशिश की। वेरी गुड अभिषेक हो जा, वेल डन बेटा, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद। अब देखो बच्चों, ये जो, अरे कमेंट थोड़ी न कर रहा हूं देवाशीष, पढ़ा रहा हूं मैं। वेरी गुड वत्सल सारस्वत 337, क्या बात है, छा गई। भास्कर जी गलत है। अब देखो बच्चों सुनो, इस स्टेट में मैं इसको बोल देता हूं बच्चों इनिशियल स्टेट, है ना? इस इनिशियल स्टेट को थोड़ा सा सोचो। हाँ बच्चों, जिसके भी 337 पॉइंट है वो बच्चे बहुत ही बढ़िया है, शानदार, जिंदाबाद, मजा आ गया। ये आंसर ज्यादातर 11th के बच्चों ने दिए हैं, है ना? मोस्ट ऑफ 11th के बच्चों ने दिया है। आफरीन, वत्सल, अभिषेक ओझा, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, इनिशियल स्टेट की बात करें तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, इनिशियल स्टेट में अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रेशर ऑफ गैस है ना, तो वो कैसे समझेंगे? देखो बेटा सुनो, अपन एक तो ये देखेंगे ना, इस मर्करी के कारण प्रेशर लगेगा ना, बोलो बच्चों, मर्करी के कारण प्रेशर लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना, अरे ये वर्टिकल है तो ऐसा लगेगा। एज वेल एज बोलो बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, बोलो बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा? अरे हाँ ना, तो बोल दो भाई, वो पिस्टन लगा हुआ है तो पिस्टन के ऊपर क्या लग रहा है? अरे पिस्टन के ऊपर क्या लग रहा है नबाबो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। अच्छा अब बताओ, मर्करी की लेंथ कितनी है? मर्करी की लेंथ कितनी है बच्चों? आधे में गैस है तो आधा जो बचा फिर वो मरकरी हुआ ना, बोलो बच्चों, आधा जो बचा मरकरी हुआ ना। अच्छा बच्चों, मरकरी के टर्म्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, बताओ भाई?
मर्करी की टर्म्स में एटमोस्फेरिक प्रेशर भी 76 ही होता है। वेरी गुड, हो गया बच्चों। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि 152 सेंटीमीटर आ गया। आ गया तुम्हें किसी को डाउट? डाउट क्या नहीं है ना। अब देखो बेटा, मैं ऐसा बोल देता हूं कि वॉल्यूम वी वन है ना, वो मैंने वी बाई टू बोल दिया, किसी को प्रॉब्लम? वी बाई टू, इस कंटेनर का आधा पार्ट ही गैस ने ऑक्यूपाई कर रखा है ना। बोलो बच्चों, इस कंटेनर का आधा पार्ट ही ऑक्यूपाई किया है ना, बोलो। अच्छा बच्चों, हमें टेम्परेचर इसने टी वन दे रखा है, दे रखा है बच्चों 300 केल्विन। अब देखो बेटा, अब क्या कहता है ये बेटा? पहले ये बता दो, इनिशियल स्टेट में किसको दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो मैं वापस समझाऊं, नहीं तो फिर आगे चलो। इनिशियल स्टेट में किसको दिक्कत है? क्लियर ना? बहुत आसान आसान सी बातें। अब बच्चों बताओ, आपने जो सेकंड स्टेट किया है ना, सेकंड स्टेट में देखो आपको क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो इसको। कितना मरकरी बाहर निकल गया? बोलो बच्चों, कितना मरकरी बाहर निकल गया? कितना निकल गया रे नबाबो, बोलो तो सही, क्वेश्चन पढ़ो। आधा निकल गया। तो पहले मरकरी की हाइट कितनी थी? पहले मरकरी की हाइट कितनी ली थी? अरे कितनी ली थी रे, 76। तो अब मैं कितनी लूंगा बताओ? अब इस मरकरी की हाइट मुझे 38 लेनी पड़ेगी ना, पक्का? वेरी गुड। अब मुझे बताओ, जब मरकरी चला गया तो उसकी जगह कौन आ गया? मरकरी गया, उसकी जगह गैस आ गई बच्चों, कन्फर्म आ गई। ओके, 76 प्लस 38 ये हो गया बच्चों। क्या ये बात डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या आपको समझ में आई कि प्रेशर ऑफ गैस अब क्या हो जाएगा? 76, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस आपका 38 मर्करी कॉलम। बोलो बच्चों, ये हो गया 116। हो गया क्या? अब बताओ बच्चों, आप बताओ, पहले आधे वॉल्यूम में थी, अब 1/4 तो, एक मिनट बेटा, सॉरी, ये 116 नहीं, कितना आ रहा है, 8 × 6 = 14, अच्छा 114 होगा। हाँ भैया, अब देखो बच्चों सुनो, पहले वॉल्यूम कितना था? V by 2 था ना। अब देखो बच्चों, आप बताओ कि जो हाफ पार्ट था मरकरी उसका चला गया, उस हाफ का हाफ कितना हुआ? अरे हाफ का हाफ कितना होगा? अरे आपका हाफ कितना होगा बोलो यार, V by 4 होगा? होगा ना, होगा बच्चों। तो देखो, अब उसने ऑक्यूपाई कर लिया, तो बोलो बच्चों ये क्या आ गया? टीवी बाई फोर आ गया, आ गया क्या? अब आप बताओ, आपको टी टू निकालना है। अगर ये इतना समझ में आ गया ना, आगे तो कुछ नहीं है। अब बताओ कौन सी इक्वेशन लगा दें? गैस बाहर गई नहीं, मोल कांस्टेंट है, तो क्या किसी जमाने में हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी क्या? P1V1 / T1 and P2V2 T2 पढ़ी थी। बस इक्वेशंस के अंदर वैल्यूज करो और मजे करो। P2 हो गया 114, आपका PV/4 और T2 निकालना, आपको निकालना बच्चों। तो सोल्व करेंगे तो T2 आ जाएगा 37.5। अब देखो बेटा, अभी भी किसी को डाउट है बोल जाओ। ये बॉयल्स लॉ का एक बहुत ही अच्छा यूज किया हमने आइडियल गैस इक्वेशन का, आइडियल गैस इक्वेशन का बहुत ही अच्छा यूज किया। देखो हमने इसमें किया ना, बोलो
किसी को डाउट है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो बोल जाओ। बोलो बच्चों, फाइनल स्टेट समझ में नहीं आई। ओके योगी साहब, देखो पहले मरकरी की हाइट कितनी थी? पहले 76 थी, ठीक। मरकरी की हाइट 76 थी, उसमें से आधा चला गया, आधा चला गया मतलब 38 चला गया, 38 चला गया ना, 38 चला गया। तो वो जो 38 है वो किसने ऑक्यूपाई किया? वो 38 किसने ऑक्यूपाई किया? गैस ने ऑक्यूपाई किया ना। अब मुझे बता, अगर मैं तेरे को बोलूं कि 38 जो है वो 152 से अपन डिवाइड करें, 38 को 52 से, है ना? या ऐसे देखना, इसको ऐसे समझ ले, देख। मुझे बता, पहले ये 76, हमने 76 का वॉल्यूम V माना था, माना था ना? अरे 76 का V माना है ना, V क्या, सॉरी V by 2 माना ना, यहाँ देखो V by 2 माना था, एक मिनट, 76 का V by 2 है क्योंकि हाफ कंटेनर। अब देख, अब मुझे बता, जब 76 का V by 2 है तो 38 जो हमें एडिशनली और मिला उसका कितना होगा? V by 4 होगा, तो मैंने जोड़ दिया ना। अब तो समझ में आ गया क्या? ठीक है भाई, धन्यवाद। चलो बच्चों, ये बताओ, ये एक क्वेश्चन दे रखा है, दो केसेज है बच्चों, ए और बी, ठीक है। आपको ये बताना है कि इन दोनों केसेज का, ये याद आ रहा है स्मॉल ए, स्मॉल ए क्या है, ये स्मॉल ए क्या है, कौन सा कॉन्स्टेंट है बच्चों, याद है क्या? वंडरवॉल कॉन्स्टेंट, याद है बच्चों? ए फॉर अट्रैक्शन। अब बताओ बच्चों, किसका ए ज्यादा होगा? बोलो बच्चों, किस गैस का ए ज्यादा होगा, कैपिटल ए का या कैपिटल बी का? बहुत ही सिंपल है, इतना लल्लू सा क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ, देखो इसका डेविएशन तो ये हुआ, हुआ बच्चों, और इसका डेविएशन ये हुआ, किसका डेविएशन ज्यादा हुआ? बोलो बच्चों, किसका डेविएशन ज्यादा हुआ, किस गैस ने डेविएशन ज्यादा दिखाया? कैपिटल ए ने दिखाया ना, ये देखो बच्चों इस ग्राफ को ध्यान से देखो। अब मुझे बताओ, हमने क्या बोला था, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जितने ज्यादा होंगे वो उतने ज्यादा डेविएशन दिखाएगा ना? नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, देखो मैं आपको वापिस पूरी इक्वेशन लिख के समझाता हूँ। क्वेश्चन मैं वापिस एक बार इधर लिख देता हूँ, देखो ऑर्डर ऑफ ए फॉर गैस ए एंड बी। एक बात बताओ बच्चों, ये जो नीचे जाता है ना ग्राफ, ये ग्राफ कौन सी कंडीशन में नीचे जाता है, लो प्रेशर पे जाता है या हाई प्रेशर पे जाता है? इतना तो आप बता दो। बोलो बच्चों, लो प्रेशर पे जाता है ना, लो प्रेशर पे जाता है। अच्छा, अब मुझे बताओ, जब प्रेशर लो है तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? हाई होगा, होगा बच्चों, प्रेशर लो वॉल्यूम हाई, तो अपन क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर कैन बी नेग्लेक्टेड। बोलो बच्चों, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर को नेग्लेक्ट मार सकते हैं? जब हमने नेग्लेक्ट मार दिया इसको, तो हमारे पास क्या बचा? देखो ये बचा है क्या, पी आर टी। अब देखो बच्चों, इसको सोल्व करेंगे अपन, पी वी और ये बचा ए वी और ये बचा आर टी। अब देखो पी वी अपॉन आर टी, ठीक है, फिर आर टी अपॉन आर टी माइनस ए बी आर टी, हो गया बच्चों, इसको जेड बोलेंगे, ये हो गया, हो गया बच्चों, देखो ए बी आर टी। अब देखो बच्चों, जिसका जितना ज्यादा ए होगा, होगा बच्चों, समझ में आ रहा है, जिसका जितना ज्यादा ए होगा वो उतना ही ज्यादा माइनस करेगा,
जितना ज्यादा माइनस करेगा वो वन से उतना ही नीचे जाएगा ना। अरे बच्चों कुछ समझ में आया है क्या नवाबों? देखो ए की वैल्यू बढ़े, बोलो तो बोलो क्या होगा, जेड घटेगा, घटेगा ना, बोलो बच्चों। तो किस में ज्यादा डिक्रीमेंट है, कौन सी गैस के लिए डिक्रीमेंट ज्यादा है, बोलो। कैपिटल ए के लिए, तो बस ये समझ में आ गया। अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? ओके चलो ये बताओ बच्चों, ये ग्राफ हमने ठीक है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग फा और बीटा को कंपेयर करना है। तो ये लाइन जेड से ऊपर आ गई ना, आ गई ना। अब ये कंडीशन कौन सी हो गई, लो प्रेशर या हाई प्रेशर, बोलो बच्चों, लो प्रेशर या हाई प्रेशर, हाई प्रेशर ना, ठीक है। तो एक काम करता हूं, इसको मैं एक बार इधर लिख देता हूं, इस जगह को यूज लेते हैं अपन। देखो बच्चों अपन लिखेंगे ऑर्डर ऑफ बी फॉर केसेस ए एंड बी, है ना बच्चों। अब देखो बेटा अपन क्या बोलेंगे, अपन कुछ ऐसा बोलेंगे, मेरे पास हाई प्रेशर है बच्चों। जब प्रेशर हाई है तो अपन क्या कह सकते हैं कि प्रेशर करेक्शन फैक्टर है ना कैन बी नेग्लेक्टेड, बोलो नेग्लेक्ट मार सकते हैं। तो जब हमने प्रेशर करेक्शन फैक्टर को नेग्लेक्ट मार दिया, यानी पी ये जो हमारे पास था ए अपॉन वी स्क्वायर और बी माइनस बी आर डी, हमने इसको तो नेग्लेक्ट मार दिया, अब बचा क्या पी वी माइनस पी बी आर टी, ये बचा बच्चों पी वी आर टी प्लस पी बी। अब इसको डिवाइड लगाओ आर टी से और आर टी से, बोलो बच्चों पी वी अपॉन आर टी क्या होती है, पी वी अपॉन आर टी, चड्डा साहब पी वी अपॉन आर टी क्या होता है, कार्तिक चड्डा, कार्तिक सुन रहे हो, कार्तिक सुन रहे हो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड वन प्लस, है ना बच्चों, ये हो गया, बोलो बच्चों। अब देखो अगर आप ध्यान दो ना बच्चों, ये ग्राफ किसी से बीच बना है जेड और पी, तो देखो बच्चों ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, है ना बच्चों, ये सी हो गया, तो ये क्या हो गया, एम हो गया ना, हो गया बच्चों। अब मुझे बताओ स्लोप में बी आ रहा है ना, अरे बच्चों स्लोप में बी वाला टर्म आ रहा है, आ रहा है क्या, अरे आ रहा है क्या नबाबो। अब बताओ जिसकी स्लोप ज्यादा, जिसकी स्लोप ज्यादा उसका बी ज्यादा होगा ना, बोलो बच्चों। अरे स्लोप मतलब टेन थीटा, तो किसका थीटा ज्यादा है, कौन सा थीटा ज्यादा है, अल्फा ज्यादा है या बीटा है, बोलो बीटा ज्यादा है बच्चों। तो मैं कह सकता हूं देखो बीटा ग्रेटर देन अल्फा, तो जब आपकी स्लोप बीटा ज्यादा है तो कंफर्म है कि जो बी, देखो बीटा ए के लिए है, तो ये आ गया बच्चों, आ गया क्या, क्या ये बात क्लियर है क्या, ये बात बोलो, ये वही है बच्चों, एप्लीकेशन है सारी की सारी, सारी की सारी एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं आपको, कुछ अलग कुछ भी नहीं बता रहा हूं, है ना। चलो इसको बताओ बच्चों, ये बताओ ये भाई साहब आपको हाइड्रोजन हीलियम दिख रहे हैं क्या, हाइड्रोजन हीलियम दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। हाइड्रोजन हीलियम के केस में हमने कुछ बोला था, क्या बोला था बताओ भाई,
हाइड्रोजन हीलियम के केस में कौन सी चीज नेग्लेक्सिबल होती है? बोलो बच्चों, एक ही वैलेंस नेग्लेक्सिबल होती है ना बच्चों, पक्का कंफर्म। देखो बच्चों सुनो, तो अपन क्या बोलेंगे है ना, फोर हाइड्रोजन एंड हीलियम, ए ऑलमोस्ट जीरो है ना। तो देखो बच्चों, इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी प्लस जीरो बी माइनस बी आर टी, तो पी वी माइनस पी बी आर टी। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, अपॉन आर टी, आर टी अपॉन आर टी प्लस पी बी अपॉन आर टी। तो जेड आ गया वन प्लस पी पी आर टी। अगेन देखो ये क्या हो गया, ये वाई, ये सी, ये हो गया। अब बताओ आपकी जिसकी स्लोप ज्यादा है ना बच्चों, जिसकी स्लोप ज्यादा तो उसका बी ज्यादा होगा ना, होगा बच्चों। अब बताओ स्लोप किसकी ज्यादा दिख रही है, हाइड्रोजन और हीलियम में से किसकी दिख रही है ज्यादा, हाइड्रोजन की दिख रही है क्या, ये क्या हो गया बच्चों। तो अब जिसका बी ज्यादा है ना उसकी स्लोप ज्यादा है। ओके बच्चों, चलो अब बात करते हैं बच्चों कंसेप्ट ऑफ पेलोड। ये पेलोड क्या है इसको समझते हैं बच्चों। देखो बच्चों सुनो है ना, पेलोड के कंसेप्ट को अपन समझते हैं। ये पेलोड क्या होता है, ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, इस चैप्टर का लास्ट एंडिंग है। अब देखो बच्चों सुनो, आपने कभी आप घूमने गए हो, घूमने गए हो बच्चों, तो पहाड़ों पर एयर ग्लाइडिंग करवाते हैं बच्चों, किसी ने की है? अरे की होगी ना, बैलून ऊपर होता है आपको ले जाके, क्या बोलते हैं उसको, भाभी का क्या बोलते हैं उसको, पैराग्लाइडिंग, वेरी गुड, पैराग्लाइडिंग बोलते हैं। और आपने देखा होगा नैनीताल के आसपास ये खूब करवाते हैं, नैनीताल के आसपास है ना, करवाते हैं ना। क्या की है कुछ बच्चों ने? ठीक है, जिसने भी की है कि उसको समझ में आ गया। अब देखो बेटा, जब आपने पैराग्लाइडिंग की थी तो आपके ऊपर एक बैलून था, ठीक है, और उसके नीचे आप थे, ठीक है। तो वो जो बैलून है, वो बैलून कितना मैक्सिमम वेट को लिफ्ट कर सकता है ना, उसकी जो वेट की लिफ्ट करने की जो कैपेसिटी है ना, उसी को पेलोड बोलते हैं, पे लोड। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, लोड मतलब भार हो गया। जैसे एक बात पता होगी ना कि भैया कैपेसिटी लिखी होती है कि भैया ये फोर व्हीलर है, इसमें आप इतना भार रख सकते हो, इससे ज्यादा रखोगे तो ये लोड सेन नहीं कर पाएगा, जानते हो ना। अरे लोड समझ गए क्या बच्चों? तो एक बैलून कितना लोड ले जा सकता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, कितना मास वो लिफ्ट कर सकता है उसको पेलोड बोलते हैं। तो देखो बच्चों, ये डेफिनेशन यहाँ लिखी पड़ी, मैक्सिमम वेट विच कैन बी लिफ्टेड बाई ये बैलून इज नोन एज पेलोड। इसको समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, एक बात बताऊं, बैलून ऊपर की तरफ क्यों उठता है? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। एक बात बताओ बच्चों, कोई चीज ऊपर उठ रही है उसका मतलब वो हल्की है या भारी है? बोलो बच्चों, हल्की है ना, तभी है। इसका मतलब अपने को बैलून में कोई ऐसी गैस भरनी पड़ेगी जिसकी डेंसिटी एयर की डेंसिटी से क्या हो, कम हो या ज्यादा हो? बोलो बच्चों, एयर की डेंसिटी से कम होना। अच्छा, कभी आपने देखा बच्चों, आपने जैसे कई लोग जब तैरते हैं तो जो ट्यूब होता है उसका यूज करते हैं ना, बोलो बच्चों, जो ट्यूब होता है उसका यूज करते हैं ना, ट्यूब की जो डेंसिटी होती है, रबर है, रबर की डेंसिटी आपको पता होगा, वो है, होती है कि नहीं होती है बच्चों? बोलो, वो डूब सकता है क्या? नहीं डूब सकता ना,
अच्छा वही सोचो, आप ट्यूब की जगह एक आयरन की रिंग काम में लो और आयरन की रिंग पहन के आप स्विमिंग करो, क्या होगा बच्चों बताओ, डूबोगे कि नहीं डूबोगे? बोलो बच्चों, काम तमाम हो जाएगा भाई साहब, आयरन की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, कन्फर्म डूबोगे, डूब जाएंगे ना। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब देखो बच्चों सुनो, अब क्या होगा, अब हमने क्या बोला कि हम हमेशा ऐसी गैस का यूज करेंगे जिसकी डेंसिटी एयर से कम हो ताकि वो ऊपर उठ जाए। तो जनरली अपन बच्चों हीलियम का यूज करते हैं, है ना, हाइड्रोजन का अपन यूज करते नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है बच्चों सबको पता है, इनफ्लेमेबल होती है तो दिक्कत करेगी। अब देखो बेटा सुनना, बहुत अच्छे सुनना, एक बात बताओ, जब ये बैलून ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये किसको हटाएगा? बोलो बच्चों, जब ये बैलून ऊपर की तरफ मूव करेगा तो एयर को हटाएगा ना, हटाएगा। अच्छा आपने कभी देखा होगा, जैसे देखो बच्चों, ये मान लीजिए एक कंटेनर भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, भरा हुआ बच्चों, मान लीजिए आपने इसके अंदर ये एक लकड़ी का टुकड़ा डाला इसके अंदर, है ना। अब मुझे बताओ, जैसे आप इसको इसमें डिप करोगे तो कुछ लिक्विड नहीं आएगा, आएगा ना बच्चों, आएगा। कितना लिक्विड बाहर आएगा बोलो बच्चों, कितना लिक्विड बाहर आएगा, ये कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर देगा बोलो बच्चों? जितना आपके इस ब्लॉक का वॉल्यूम था उतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड उसको वो हटा देगा ना। ऐसे होता है बच्चों, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। बोलो बच्चों, जो ब्लॉक है उसका जितना वॉल्यूम है ना, उतना वॉल्यूम आपका हट जाएगा। अब ये का ये कंसेप्ट हमें क्या करना है बच्चों, यहां लगाना है, ठीक है ना। तो जब ये आपका बैलून ऊपर जाएगा तो ये एयर को डिस्प्लेस करेगा, कितनी एयर को डिस्प्लेस करेगा बोलो बच्चों? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस एयर कितनी होगी बोलो बच्चों? अरे कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ बैलून के बराबर ही होगी क्या? ये बात सही है क्या? अरे सही भव्या, सही है ना। अरे जो लिक्विड में फंडा लग रहा है वो यहां लग रहा है। ओके अब देखो बच्चों सुनो, बैलून एक कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, जाता है बच्चों, मुझे बताओ जब वी कांस्टेंट है तो बोलो बच्चों उसका एक्सिलरेशन कांस्टेंट हो गया, ए जीरो हो गया। ए जीरो होने का मतलब उस पर नेट फोर्स कितना हुआ बोलो बच्चों? नेट फोर्स जीरो हो गया ना। नेट फोर्स जीरो कैसे समझेंगे? देखो बच्चों इसका मतलब एक प्रेशर या फोर्स नीचे लग रहा होगा और एक प्रेशर ऊपर लग रहा होगा, ऐसे हो सकता है ना बच्चों? एक फोर्स नीचे लग रहा होगा, एक ऊपर लग रहा होगा, और दोनों बराबर हो जाएं, दोनों बराबर हो जाएं तो काम बन जाएगा ना। अब बताओ बच्चों, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है क्या अपन उसको ये बोलते हैं बच्चों, क्या ये बायोन्सी फोर्स बोलते हैं? क्या बायोन्सी फोर्स बोलो बच्चों? बायोन्सी फोर्स बोलते हैं क्या? बोलते हैं। तो मुझे बताओ ये बायोन्सी फोर्स को कौन कौन बैलेंस करेगा? अब ध्यान से सुनते चलना बच्चों, देखो क्या क्या हमारे पास। सबसे पहले बताओ, बैलून का कुछ मास होगा, बैलून का खुद का कुछ भार होगा, तो मैंने लिखा यहां देखो बच्चों, ध्यान दीजिए, एम बैलून लिखा बच्चों, और ये जो फोर्स लगाएगा तो हम फोर्स निकालने के लिए इसको जी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, याद करो फोर्स होता है ना एम जी। अरे बच्चों फोर्स होता है एम जी। ठीक है अब देखो, इसके अंदर आपने क्या भर रखी है, बैलून के अंदर कोई गैस भरी होगी है ना, उसका भी तो प्रेशर नीचे की तरफ लगेगा। अरे बच्चों ये एरो नीचे लगा रखा है, समझ में आ रहेगा, एरो नीचे लगा रखा है इसका मतलब ये प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है, तो मास ऑफ गैस इंटू जी कर दूं, इंटू जी कर दिया। अच्छा ये मान लीजिए यहां पर आप लटके हुए थे तो आपका प्रेशर भी नीचे की तरफ लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? तो बोलो बच्चों नीचे की तरफ देखो टोटल तीन लग रहे हैं, वन
टू और थ्री। और ऊपर की तरफ कौन सा लग रहा है बोलो बच्चों, ऊपर की तरफ कौन सा लग रहा है? बायोन्सी फोर्स लग रहा है, लग रहा है। तो बच्चों बताओ इस बायोन्सी फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? जो ये बैलून के कंटेंट का लग रहा है वो करेगा ना? बायोन्सी फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? जो बैलून या बैलून के साथ जो भी कंटेंट जुड़ा हुआ है वो तो करेगा ना इसको बैलेंस। बोलो बच्चों, ऐसा कह सकता हूं कि देखो एफ बायोन्सी, एक तो इसकी स्पेलिंग बड़ी है ना, एफ बैलून कंटेंट, ठीक है बच्चों, है ना? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा, मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है ना बच्चों, ये भी तो बोल ही सकते हैं, एक अपवर्ड फोर्स है और एक डाउनवर्ड है। एक बात बताओ बच्चों, अगर आपने ये पता कर लिया कि कितनी एयर डिस्प्लेस हुई, तो आप मुझे बताओ जब वॉल्यूम पता लग गया तो क्या मास ऑफ डिस्प्लेस एयर पता नहीं लग सकता क्या? बोलो बच्चों, अगर डेंसिटी पता हो तो बोलो, पता लग सकता है ना भाई, सिंपल सी बात है भाई। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। आपको मास पता करना है तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। अब कितनी एयर डिस्प्लेस हुई वो आपको पता है, कितनी एयर डिस्प्लेस हुई वॉल्यूम ऑफ बैलून के बराबर, और आप डेंसिटी ऑफ एयर से मल्टीप्लाई कर दो तो पता लग गया क्या? तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर पता लग गया, वॉल्यूम ऑफ बैलून इनटू डेंसिटी ऑफ एयर। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है बच्चों? अब देखो, अब मैंने बच्चों इस अपवर्ड और डाउनवर्ड में सारी वैल्यूज रख दी। तो देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ बैलून डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी, ये लिखेंगे ना? अरे बच्चों, ये पूरी जो चीज है ये क्या है? ये आपका मास ऑफ एयर है ना, है? अब देखो बेटा, इधर जी, ये भी जी, ये भी जी, ये कैंसिल हो गया, आ गया क्या? तो हमें पेलोड निकालना है, एम पेलोड, मास ऑफ पेलोड। तो इसको छोड़कर बाकी सारी चीजों को उधर पटक दो तो हमारे पास आ जाएगा क्या, पी ऑफ बेलून इंटू डेंसिटी ऑफ एयर माइनस एम गैस माइनस एम बेलून। क्या पहले ये समझ में आया कुछ आपको, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया क्या? बोलो भाई। अब तो दो तीन मिनट की बात हो रहा है, ये सबको समझ में आया क्या? विश्वजीत जी, विश्वजीत जी, आपको समझ में आया? ठीक है, ओके। चलो बच्चों, अब देखो ये बेटा आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 5.16। आप आपकी जो एनसीईआरटी है ना उसमें पीछे दे रखा है ना? तो देखो बेटा क्या कह रहा है, कैलकुलेट पेलोड व्हेन ए बैलून ऑफ रेडियस 10 मीटर मास 100 केजी is filled with helium at 1.6 bar at 27 degree Celsius. Density आपको दे रखी है air की और R की value दे रखी है बच्चों, ठीक है, दे रखी है बच्चों। अब देखो बेटा, ये R की value में ये जो decimeter cube है ना, decimeter cube समझते हो बच्चों? Decimeter cube का मतलब बोलो बच्चों, decimeter cube का मतलब क्या है? अरे लीटर ही होता है, डेसीमीटर क्यूब बोलो चाहे लीटर बोलो एक ही बात है ना। अरे डेसीमीटर क्यूब या लीटर एक ही बात होती है, ठीक है बच्चों, आगे बात सुनें। अब देखो बच्चों, आपको वॉल्यूम ऑफ बैलून निकालो पहले। तो बच्चों बैलून को हमें स्फेरिकल मानना पड़ेगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? क्या ये फॉर्मूला सही है, 4/3 πr³? बोलो बच्चों, सही है। तो r की वैल्यू आपको दी हुई है बच्चों कितनी, देखो क्वेश्चन में दे रखा है r की वैल्यू 10 मीटर। मैंने रख के सोल्व किया तो ये इसका वॉल्यूम आ गया बच्चों।
अब मुझे बताओ, जितना आपका वॉल्यूम आया बैलून का, उतनी उतनी वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस होगी? बोलो बच्चों, उतना वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस होगी? होगी कि नहीं होगी? होगी। तो देखो, मास ऑफ एयर अपन ये निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बैलून इनटू डेंसिटी ऑफ एयर। बोलो बच्चों, सही है। अब देखो बेटा, हमें डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन थी, ये निकाल गए तो मेरे पास आ गया 5024। कोई दिक्कत नहीं। बोलो बच्चों, अब देखो बेटा, अब हमें मास ऑफ हीलियम निकालना है। ये कैसे निकालेंगे ये समझते हैं अपन, है ना बच्चों? सुनो बच्चों, पीवी क्वेश्चन एनआरटी, जिंदाबाद है पीवी क्वेश्चन एनआरटी। अब देखो बेटा सुनो, ये प्रेशर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो पढ़ो। वॉल्यूम किसका लोगे? कंफर्म है आप भर किसमें रहे हो? बैलून में भर रहे हो तो बैलून के लोगे। लेकिन मुझे बताओ बच्चों, ये मैंने 10^3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? कौन बताएगा? कौन बताएगा? बोलो। देखो बच्चों, ध्यान दो आप। वेरी गुड फ्लोदिया जी, फ्लोदिया जी, फ्लोदिया जी, ऐसे मत करो। देखो आर की वैल्यू बच्चों लीटर वाली है, आर की वैल्यू लीटर वाली है ना, लीटर वाली है बच्चों, है ना? आर की वैल्यू लीटर वाली है। तो अभी वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है। तो मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट किया मैंने। एक बार आता हूँ, याद करो बच्चों। देखो हमने क्या बोला था, 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर अपन 10^6 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, 1 मीटर क्यूब को लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा, अपन ऐसा भी लिख सकते हैं क्या बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं? अच्छा बताओ, 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया? लीटर हो गया। यानी बोलो बच्चों कि मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने। तो देखो बच्चों, ये इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये हमारा जो वॉल्यूम था वो था मीटर क्यूब में, उसको हमने लीटर में कन्वर्ट किया, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है बच्चों, अब देखो इधर वो एनआरटी मोल लिख दिया, आर की वैल्यू 0.0821 को 1/12 लिख लिया मैंने, और ये आ गया 300। आ गया बच्चों, यहां से मेरे पास मोल आ गए, हीलियम के मोल आ गए बच्चों। आगे देखो कितने मोल आए, देखो आप हालत खराब है बच्चों, है ना? अब देखो जब हीलियम के मोल आ गए तो हीलियम का मास ग्राम में निकल सकता है, तो हीलियम के 1 ग्राम मोल का मास क्या होता है बच्चों? हीलियम के 1 ग्राम मोल का मास क्या होता है? 4। लेकिन हमें ऊपर देखो सारा कुछ मामला केजी में चल रहा है ना, केजी में चल रहा है, तो मैंने इसको बच्चों ये डिवाइडेड बाय 1000 कर रखा है, कर रखा है बच्चों डिवाइडेड बाय 1000 कर रखा है, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। आगे बच्चों, अब देखो बेटा, ये जो हमारा एम पेलोड आया था उसमें आप सारा कुछ रख दो, ये मास ऑफ एयर, मास ऑफ बेलून और मास ऑफ आपका जो था, रख के सोल्व कर लो, यानी वो इतना मास लिफ्ट कर सकता है। हो गया बच्चों? बोलो। अरे पेलोड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों?